हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। अभी मैं आपको आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। इससे फर्स्ट पार्ट जो मैंने वीडियो का करवाया है उसमें भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न जो अभी आपके मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सेम हम इस वीडियो में करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन को। सो क्लास 12 का ये चैप्टर है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके बाद वाला ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर किसी ने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिएगा एंड इसके बाद में इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपके लिए ईजी हो। नाउ द क्वेश्चन इज, नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ सेल, ठीक है, या फिर कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। कोई ऐसा डिवाइस जो किसी सेल के EMF को कैलकुलेट करता हो या मेजर करता हो, और या फिर दोनों के बीच का कंपैरिजन, दो EMF हमें दे रखे हैं उनके बीच का कंपैरिजन पता चले, तो ऐसे डिवाइस का नाम क्या है। दो क्वेश्चंस है, दोनों सेपरेट सेपरेट तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट इसका जो आंसर है वो सिंगल आंसर है, वो है पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सेल के EMF को कैलकुलेट करने के लिए या फिर उनके पोटेंशियल डिफरेंस को, उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो द आंसर इज पोटेंशियोमीटर। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर टर्म पढ़ते हैं तो इस डिवाइस में एक और चीज आती है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या डेफिनेशन होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से डिनोट किया जाता है। के इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, हम इसको लिखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू वी अपॉन में एल। इसके अलावा इसकी जो SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर, आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। अगर कोई एक ओपन सर्किट आपको गिवन है, ओपन सर्किट का मतलब ये हो गया कि जो आपको सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ओपन सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आंसर विल बी जीरो। यू वॉन्ट इनकी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो वेल एंड गुड है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बताया इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें अगर जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो आंसर विल बी द ऑफ अ सेल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि तापमान बढ़ाने पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है किसी भी सेल का, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया हुआ है बिटवीन वर्ड को। आपको क्वेश्चन में ये चीज बोली हुई है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, या जो एनोड और कैथोड है उनके बीच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको आप किससे डिनोट करेंगे। सो आंसर है इसका आंसर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट। इसका वन वर्ड में आंसर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो ये वर्ड है ना इलेक्ट्रोलाइट, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। सो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है, किसी सॉल्यूशन में जब हम इसको डालते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। अब जो ये सब्सटेंस है ना वो डिसोसिएट करता है आयंस में इन द सॉल्यूशन। अब वो कैथोड भी हो सकता है, एनोड पे भी। ये जो होते हैं ना कैथोड और एनोड, ये एक एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। बीकर में एक सॉल्यूशन आपने लिया, उसके अंदर हम एक साइड पे एनोड लेते हैं, एक साइड पे कैथोड लेते हैं और करंट पास करवाया जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू एन सॉल्यूशन एंड एक्वायर्स अ कैपेसिटी ऑफ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से जिसको डिनोट करते हैं, ये इसकी जो डिपेंडेंस होती है वो किसके ऊपर होती है। सो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है। उसके बाद में कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन होती है।
सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टेंस के ऊपर. उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आप टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का क्या लेते हैं. तो फोर पॉइंट्स है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी चीज का डिपेंड करता है या सेल का. बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर किसके ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर फोर इज टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट था. इसके बाद में थर्ड पार्ट में आपको इसके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जल्दी से देख लीजिए. इतने आपके लिए मैं एक अलग से इसका थर्ड पार्ट लेकर आने वाली हूँ. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए.